मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो बोला ये ताड़ासन जाप की वजह से। हम लोग चॉकलेट नहीं बनाएंगे, हम लोग चॉकलेट को मॉडिफाई करके मॉकलेट बनाएंगे, मॉकलेट। अगर किसी की खोई हुई चीज तुम्हारे हाथ लगे तो जब तक वो चीज तुम पर्सनली उस इंसान को ना लौटा दो तब तक सोना मत। दिव्या मित्तल नाम की एक लड़की मुझे कॉफी बार में मिली, हम दोनों में नयन मटक्का हुआ और मैंने सोचा कि उससे शादी कर लूं। पापा जी। So how are you? Good. ये क्या है? क्या हुआ? ये काम वाली बाई नहीं आई क्या? अरे पापा का बहुत बड़ा कचरे का धंधा है। चल चलो बैठो। बैठू कहाँ बैठू? अरे क्या आप बैठो ना भी पापा। अरे नमस्ते मम्मी जी। मैं दिव्या की माँ नहीं बुआ हूँ, अब तक आस लगाए बैठी हूँ। क्या मतलब है? अब इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे आपका दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। धीरज रखिए, कोई अच्छा लड़का मिलेगा आपको। अरे मित्तल तो पित्तल को भी सोना बना देता है, तू मुझे सिखाएगा कचरे का धंधा? अरे 25 साल से इस धंधे में हूँ। सारे शहर का कचरा पहले मेरे गोडाउन में आता, फिर कहीं जाकर एक्सपोर्ट होता है। बात करता है, अब तुझे कचरे के डिगले पर गाड़ कर अंदर गाड़ दूंगा तब पता चलेगा। मित्तल सिर्फ कचरे वाले से लड़ता है। ये नॉर्मल टॉपिक यही होता है घर में? हाँ हमारा धंधा है ना। वेरी गुड। जब जब तो मारिया, जब मारू मारू फोन तो मारू। कौन है कचरे का डब्बा? कचरे का डिब्बा नहीं है, दिव्या का दोस्त है, आपसे मिलने आया है, मैंने बताया था ना। कहाँ है रामू? रामू कहाँ है? उसको कहा था मेहमान आने वाले हैं और कचरा लाओ। नहीं लाए। बैठो बेटा, अब तो आते रहोगे तो कचरे भी साथ में आएंगे। बैठो आप भी बैठिए कहीं तो फिर। हल हल रस्सी लाओ, रस्सी। ठीक है, कंफर्टेबल है, ऐसे ही होता है। थैंक यू। क्या नाम बताया बेटा आपने? जी विनय वानर बेटा। विनय, तुम्हारे माँ बाप को कोई अच्छा था कचरे जैसा नाम नहीं मिला? विनय वानर बेटा। अच्छा बताओ रहते कहाँ? जय नवरत्न सोसाइटी वर्सोवा लिंक रोड पे। जो वही ना जहाँ पर म्युनिसिपैलिटी का 222 नंबर का कचरे का डब्बा है? नहीं पता नहीं। वहाँ तो मेरे आदमी घूमते रहते हैं, उस कचरे के डब्बे में तो कुछ नहीं निकलता। बड़ी भिकमंगी सोसाइटी है वो। अरे क्या भैया ये कचरे को लेके बैठ गए? नहीं नहीं नहीं, मतलब विनय की और दिव्या की शादी की बात करनी है ना। हाँ। तो बेटा तुम महीने का कितना? 15,000 रुपए। अरे बाहर में जाए तुम्हारी तनख्वाह 15,000 की। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर से महीने का कितना निकलता है वो कचरा? कितने का? 1,000 रुपए। 1,000? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बेटा। हाँ कभी कभी तो 3,500-4,000 तक। ये हुई ना इंसान की असली औकात। और तो और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे महीने का कचरा कम से कम 4-5 लाख रुपए तक का निकलता है। 4-5 लाख रुपए? थैंक यू बेटा, गले मिल जा बेटा, गले मिल। वाह बेटी वाह, क्या लड़का चुना, क्या लड़का चुना है। उस कंपनी में काम करता है जिसका चंदवा 4-5 लाख रुपए का है। अपने माँ बाप को भेज देगा? क्यों ये सब? नहीं शादी की बात करनी है ना, तेरी नहीं। जब भी शादी की बात करता हूँ तो कचरे के डिब्बे के कान की तरह इसके भी कान खड़े हो जाते हैं। मैं इसकी बात करूंगा बेटा, देखना तेरी शादी में कैसे धूमधाम से करता हूँ। सारे शहर का कचरा उस मंडप में रहेगा। अरे निकल मेरी मां, निकल। हाय दिलीप जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। अरे वाह, लेट मी सी दिस डायमंड रिंग। वाह बहुत खूबसूरत है। तो क्या आपने एंगेजमेंट कर ली? नहीं नहीं मिली जी, नहीं। ये तो कल हमारे बॉस का बर्थडे था ना, तो मैं उन्हें ये रिंग देना चाहता था।
तो बर्थडे उनका था, आप गिफ्ट करना चाहते थे, फिर आपने पहन ली। वो क्या हुआ ना मिली जी कि मैं कल शॉप में लेने गया ना अंगूठी, तो मैं ऐसे ट्राई करने गया कि उंगली पे कैसे लगेगी। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना। हाँ, मैं तो ऐसा पहन के मैं देखने गया। हाँ? तो कल से निकल ही नहीं रही है। ओ नो। अब आप शादी की रिंग किसमें पहनेंगे? उंगली में। नहीं, लेकिन किस उंगली में? मतलब शादी वाली रिंग भी इसी उंगली में पहनते हैं? ऑफ कोर्स दिलीप जी, यही उंगली की नस जो होती है वो दिल तक जाती है, आपको पता है। और अगर इस उंगली की नस दब जाए तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अरे शुभ शुभ बोलिए मिली जी, प्लीज मुझे इसे जल्द से जल्द तुरंत निकलने का कोई उपाय बताइए। वेरी इजी, आप साबुन के पानी में हाथ डालिए, लूज है कैप्टन, निकल जाएगी। साबुन का पानी क्या मिली जी, पूरा का पूरा साबुन इसके ऊपर रगड़ा लेकिन ये कम्बक निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। निकाल वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। और ये कहाँ निकल गई? शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। यार ये हॉलीवुड वाले बोलते हैं टाइम पे आते हैं, क्या टाइम पे आते हैं, बॉलीवुड वाले को बदनाम करते हैं यार। Sir, don't worry, sir. I will see to it. Okay. So you do one thing. You work out there. I will work out here for you in Hindi cinema, sir. Arnold. Arnold. Okay, Arnold ji. Okay, bye. See you. Come. Hasta la vista, baby. Okay, bye. Come, sir. Sir, nice house, sir. Thank you, sir. Sir, ये Arnold हिंदी पिक्चर कर रहा है? What happened? अपना बॉलीवुड का हीरो लोग हॉलीवुड में एक्टिंग करने को जाता ना, तो हॉलीवुड का स्टार लोग वर्कलेस, रियली जॉबलेस, दे आर रनिंग इंडिया टू बॉलीवुड, वर्क इन हिंदी सिनेमा सर। ओहो, तो मुझे हॉलीवुड में काम दिला दीजिए ना सर, प्लीज सर, प्लीज सर। आई वांट टू वर्क इन हॉलीवुड, आई वांट टू बी हॉलीवुड स्टार सर। ओके, लिसन सन, यू वांट टू वर्क इन हॉलीवुड? यस सर। ओके, अच्छा यू नो दो अल पचिनो एंड रॉबर्ट डी नीरो? दुनिया जानती है सर उनको, दे आर लेजेंड एक्टर्स। रियली? यस सर, देयर इज अ वन फिल्म, यू वांट टू वर्क विद देम? मी विद देम? सर, यू आर ग्रेट सर। देयर लिटिल हेयर इनसाइड सर। सॉरी। व्हाट इज द स्टोरी सर, प्लीज टेल मी। आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी। स्टोरी इज टू फादर एंड वन सन। Now tell me, who is the son? Who? You? Me? Yeah! Unke saath main son! Oh, sir! Again! Please, sir. Little air inside, sir. Acha. The story is, two father, in the whole film, they search for son. Only searching? मतलब सन का रोल तो है कि नहीं? है। इन द एंड दे कम टू नो देयर इज अ थर्ड फादर, जैक निकल्सन। नो, जैक निकल्सन इज अ वेरी बिजी स्टार, ही हैज अ डेट प्रॉब्लम। इन द सीक्वल, इन द सेकंड पार्ट, वी कम टू नो कि हु इज द रियल फादर। इंटरनेशनल कॉल 00। हां हेलो जैकी जी, जैकी श्रॉफ, मेरा हाय बोलना एंडी कपूर सिंह। हाय, नॉट जैकी श्रॉफ, जैकी चैन। हेलो जैकी जी, हाउ आर यू सर? अरे सर, आप फिकर मत कीजिए सर, इधर मुकेश भट्ट से साथ बात हो गया है, पर क्या है आजकल मैं थोड़ा बिजी है ना सर। सर, जयपुर में लोकेशन हंटिंग चालू है सर। सर, यू डू वन थिंग, नेक्स्ट मंथ जस्ट यू जंप इन इंडिया सर। यस सर। ओके, मेरे घर पे रहने बोलना। ओके ओके, द लिटिल स्टार सेइंग हेलो टू यू सर। ओके ओके बाय, चाओ, शंघाई जिंदाबाद। अरे जैकी चैन हिंदी समझता है? अरे भाई, जैकी चैन को तो चाइना भी आता है ना। चाइनीज तो है ना वो? है, लेकिन बहुत मेहनत करके सीखा है वो। क्या है, ही इज ट्राइंग टू मेक हिंदी सिनेमा। ओहो, भोजपुरी भी सीखता है। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा भी बना के इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज करेगा। सर, आई वांट टू वर्क विद जैकी चैन नाउ। मेरे बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जैकी चैन के साथ काम करूं सर, प्लीज। उनके साथ भी एक रोल सर, प्लीज सर। रियली? यस सर। सर, आप सोचिए मत सर, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, एक चांस। ओके, यू आर वेरी कन्विंस्ड, यू आर वेरी गुड सेल्समैन। सॉरी। ओके, आई विल सी टू इट। अगेन इंटरनेशनल कॉल। ओके, प्रैक्टिस जैकी चैन। ओ यस सर। हेलो डेमी मूर, टेल मी मोर। हेलो। अरे डोंट वरी, आई विल रिप्लेस बिपाशा बसु सर। आई एम क्वीन मेकर इन बॉलीवुड। ओके, बाय।
ओहो, अब दुनिया का लूटेगा चैन इंडिया का जैकी चैन। गुड मॉर्निंग मेरा। गुड मॉर्निंग सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप अभी तक किस नाइट ड्रेस में घूम रहे हैं? सजा के चेंज कीजिए, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोगों को सोचने दो, मैं नहीं सोचूंगा। है? इस ड्रेस को चेंज करने के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन क्यों सर? क्योंकि इसी ड्रेस में मुझे फैंटास्टिक आइडिया आया था, मॉकलेट बनाने का आइडिया। सर लेकिन आइडिया आके चला गया ना, तो आप जाके चेंज कीजिए ना। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, ये आइडिया जो है अभी इंग्रेडिएंट स्टेज पे है, बहुत चिपचिपा स्टेज पे है। जब ये आइडिया पूरी तरह से पक जाएगा तब मैं ये ड्रेस चेंज करूंगा। वैसे भी आप मस्त पकाते हैं। थैंक यू सो मच। तुम देखना मेरा, जब ये मॉकलेट पूरी तरह से पक जाएगा ना, मैं सारी दुनिया को कैसे पकाऊंगा, मतलब कैसे खिलाऊंगा। सर लेकिन हमारे ए टू जेड सप्लाईज का क्या होगा तब? अरे भाड़ में गया ए टू जेड। हम लोग यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और तुम ये फड़तूस ए टू जेड को लेके बैठी हो। लेकिन कुछ नहीं मेरा, हम लोग लोकल से ग्लोबल होने वाले हैं और अभी तक तुम बस डिपो पे खड़ी हो। लिबरेट, फ्री, फ्री योर थॉट्स, अपने आप को फ्री करो, अपने आप को खोलो। यस। अब सर आपको बुरा नहीं लगे तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपको ये नींद में चलने की बीमारी है? नहीं, क्यों? नहीं, वो आपके नाइट ड्रेस को देखकर ऐसा लगा। नाइट ड्रेस? देखो बस, हमारे कपड़े शायद मिलते जुलते होंगे लेकिन हमारे विचार कभी नहीं मिल सकते। यस यू आर राइट सर। मुझे एक बात बताओ, ये ड्रेस तुम कब पहनते? सूखने के बाद। नहीं नहीं, मतलब कब पहनते हो? कब? ड्यूटी पर। ये आदमी बहुत पकाता है। हो गया। बताओ कब पहनते हो ये ड्रेस? डे में, करेक्ट? दिन में पहनते हो? Yes. मतलब ये तुम्हारा डे ड्रेस हो गया? हाँ, तो ये जो ड्रेस है ना, ये मेरा नाइट ड्रेस, ये मेरा डे ड्रेस है, या यू समझो कि नाइट डे ड्रेस, डे नाइट ड्रेस है। आपका एड्रेस लेना पड़ेगा सर। उड़ाओ उड़ाओ मेरा मजाक उड़ाओ, अरे मेरा मजाक उड़ाओ दुनिया वालों। लेकिन याद रखना, एक महान साइंटिस्ट था वो, पानी वाला साइंटिस्ट कौन था यार? आर्किमिडीज। आर्ची कॉमिक्स। अरे जब आर्ची कॉमिक्स को पानी का थियरी का आइडिया आया था ना, वो रेखा को ढूंढते हुए यू रेखा करके निकला था सड़कों पर। अरे वो तो ऐसे ही निकला था, मैं तो कपड़े पहन के निकला हूँ यार, मैं मेरा मेरा करते हुए निकला। आप लोग समझते क्या है, मेरा मजाक उड़ाते क्या कर रहे हैं सब? बिहेव योरसेल्फ। एक फ्रस्ट्रेटेड साइंटिस्ट हूँ, मतलब बिजनेसमैन हूँ मेरा, मैं क्या करूँ, ये लोग मेरी कैपेबिलिटी को समझते नहीं है। देखो बेटा, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मेरा शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। जिससे अंगूठी अपने आप निकल जाए। पागल है क्या, ऐसा दाव पेच होता है क्या? तो क्या फायदा है ऐसा आओ आओ करके? ऐसा होना चाहिए दाव पेच तो कुछ फायदा है। गुड न्यूज़। दिव्या के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है, सब सेटल हो गया है, दिव्या से मैं शादी करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, उसके बाप ने भी मुझे पसंद किया। वाह, कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। भाई तुम लोग की पॉजिटिविटी को दांत देना पड़ेगा, है ना? इतनी बार तुम लोग का टूट चुका है लेकिन फिर भी गुड न्यूज करके आ जाते हैं। एनीवे, दिव्या का बाप करता क्या है? बंगाल वाला है। मतलब वो डबा बटली जुना पुराना, वो सेकेंड हैंड वाला आदमी है वो। लड़की तो फर्स्ट हैंड है ना? अरे लड़की तो यार कमाल की है। मैंने दिव्या को उस कचरे वाले के घर में से ऐसे चुना है जैसे कोई
कोयले के खान में से यू नो डायमंड चुनता हूँ। अरे डायमंड का नाम मत ले यार। सॉरी मैं बाबा से बात करता हूँ। अपने शादी की ये गुड न्यूज देता हूँ। गुड न्यूज। हेलो बाबा, हम ही बाबा विनय बात कर रहा हूँ। हाँ बोल बेटा विनय बोल। बाबा मुझे एक लड़की मिल गई है। बहुत अच्छे। एक बहुत बड़े कचरे के व्यापारी है, उनकी बेटी है। कचरे वाली की लड़की मिली तुझे? दूसरी कोई नहीं मिली है? बाबा मैं फोन पे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, आप पहली ट्रेन या मोटर गाड़ी पकड़ के बम्बई आ जाइए और लड़की वालों से शादी की बात कीजिए। देख विनय, मैंने तेरे लिए बहुत से लड़कियों के बापों से बात की है। हर जगह मेरी बिन पानी के हजामत हुई है। अब मैं नहीं आऊंगा, बस। हाय जूली। हाय जेम्स, कैसे हो? बस ठीक हूँ। क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? जूली तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे बता ना। वो ये डायमंड रिंग, वाओ दिलीप, किसने पहनाई? वो बॉस ने। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। कम ऑन जूली यार, सब लोग ये रिंग को देखकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। ओके। वो क्या है ना, बॉस का बर्थडे था तो बजाय इसके कि मैं उनको गिफ्ट देता, उन्होंने मुझे जबरदस्ती गिफ्ट दे दी। और ये उंगली पकड़ के इसमें ये अंगूठी जबरदस्ती पहना दी। अब ये इतनी टाइट है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे नहीं चाहिए रिंग, उनको वापस करनी है। मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज प्लीज यार, एक मिनट। हाँ या हाय यार दिलीप, ये सर। हाँ हाँ, आया आया। नमस्ते। मैं भूल गई सर, आप दिलीप से मिले हैं? नहीं। ये दिलीप है, ये मेरे बॉस कन्हैया कपूर। हेलो। हेलो। ओह हाँ, हेलो हेलो। खुशी रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुशी रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे। तो दिलीप जी, कब हुई ये रिंग सेरेमनी? ये कल शाम को। कल शाम को? कल शाम को? तो अभी क्या हो रहा था ये? अभी क्या हो रहा था ये नाटक? हाँ, ये रिंग रिंग का खेल क्या चल रहा था? मेरा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर मैंने आपसे पहले ही कह दिया, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो हो रहा था उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने इसको बहुत क्लियर कर दिया था, पहले दिन से क्लियर कर दिया था मैंने इसको कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले ये बता दिया था कि भाई देखो, जब तक मेरा बिजनेस सेट हो जाए, जब तक मैं सेट हो जाऊं, मतलब जब तक मेरी शादी हो जाए, तुम शादी नहीं करोगी। तो शादी कौन करना है? अरे ये जो नाटक चल रहा था अभी तुम्हारे बीच में, ये हाँ। अरे ओ, ओ मिस्टर कन्हैया, हाँ? क्या बोल क्या रहे आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। सर आप क्या सोच रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो दिलीप की मदद कर रही थी, उसकी रिंग टाइट है इसलिए मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। ओह तुम्हारी सगाई वगाई कुछ हुई नहीं? सॉरी सॉरी, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। थैंक यू। वैसे ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपनी फ्रेंडशिप दिखाता हूँ, लाइए मैं आपको हेल्प करता हूँ। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नहीं निकाल। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी शादी करा दे, मेरी सुलझन को सुलझा दे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दे। जय हनुमान, ज्ञान गुण। प्रभु क्या कर रहे हैं आप भी? प्रभु आज का क्या कर रहा है तुम्हें? तू क्या ताड़ासन कर रहा है? ये तेरे को क्या जरूरत है? दिलीप की आदत लग गई तुझे भी? लड़की तो मिल गई है तुझे भाई। लड़की मिल गई है लेकिन बाप नहीं मिल रहा है। लड़की का बाप नहीं है? लड़की का बाप है और वो मेरे बाप से मिलना चाहता है। तो मिला देना, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि धमन का झटका जो मेरे बाप को लगा है ना, उस सदमे से अभी तक वो बाहर नहीं निकला है। वह गांव में पुल मेरी बदनामी कर रहे हैं मेरा बापू। अरे अरे माझा पुराने माला ना बर्बाद केला। अरे है केला? अरे यार पक गया मैं, बहुत पक गया। प्लीज अब तू कोई तू आइडिया बता, उसके पैसे दूंगा मैं तुझे। मुफ्त में
पैसा पैसा क्या कर रहा है आजकल, अपने पास बहुत पैसा है तो जल्दी बोल। फ्री फ्री ताड़ासन करता हूँ तेरे सामने। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, मैं बोलता हूँ तेरे को। हाँ बोल। तेरे कोई चाचा मामा है कि नहीं, उसको लेके जाना, लड़की के बाप से मिला दे, तेरे बापू को मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये आइडिया मेरे भी दिमाग में आए थी, लेकिन नहीं है, हमारा पूरा खानदान जो है ना वो इकलौता है। मेरा दादा इकलौता है, मेरा बापू इकलौता, मैं इकलौता, कोई नहीं है, डुप्लीकेट कोई नहीं है हमारे इधर। क्या तरस आ रहा है यार तेरे पे? तरस आ रहा, मुझे शर्म आ रही है मेरी जिल्लत भरी जिंदगी पे। मैं बन के चलता हूँ तेरा चाचा। मस्त ऐसा ऐसे क्या दिख रहा है? वो अजनबी इंसान सीरियल में मैंने क्या चाचा का रोल किया, मस्त सबने पहचाना तुझे। वो थोड़ा मेकअप का प्रॉब्लम था, वरना तो थोड़ा मेकअप का प्रॉब्लम था और बहुत सारा एक्टिंग का लोचा था तेरा। ये पोड़ूंगा तेरे को। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं देना तेरे को आइडिया। नहीं नहीं नहीं, अरे तू तो यार बुरा मान गया है यार। चल चल बता बता, आइडिया आइडिया दे, जल्दी दे। जाड़े आया ना, कौन वो टकले? कौन टकले? अरे तेरा अंकल। वो कैसे अंकल को टकले बोलेगा ना, बोलूंगा तेरे को। अच्छा अच्छा, वो तो कौन कौन? दिलीप रे, वो मस्त लगेगा भी चाचा। अरे ओ यस।